सुशांत की रहस्यमय मौत की जांच में नया एंगल ड्रग्स का आ गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिवंगत अभिनेता को बदनाम करने के लिए ड्रग्स से उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस पर आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने उस शख्स का स्टिंग ऑपरेशन किया है जो सुशांत के साथ साये की तरह रहता था, और उस शख्स ने सुशांत के बारे में जो खुलासा किया है वो इस केस को एक नया मोड़ दे सकता है। उस टाइम पे तो इतना पीना अच्छा नहीं करके पाने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है ऐसा बोला। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना दो तीन लोग, वो लोग बनाते थे तम्बाकू में कुछ बनते हैं। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत, एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री, सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन, आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए ये खुलासा बेहद विस्फोटक है, क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का ये खुलासा उससे भी एक कदम आगे है। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। ड्रग्स नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। क्रिकेट में भर के कुछ वैसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे, सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ, पता यहीं से जाता होगा। नहीं, यहाँ से तो नहीं, सुना मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था, मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला, मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, सारे आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है ऐसा बोला। कहाँ से आता था ये पता नहीं, कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम सारे देखता है? वो कुशाल जोहरी। लेट हो रहे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था, लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं, परेशान है, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था, उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा चरस? तो कौन बना रहा था चरस? वो एक बंदा था, ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना दो तीन लोग, वो लोग बनाते थे तम्बाकू में कुछ बनते हैं। स्टाफ के सभी लोग फ्रेंड थे, सिगरेट बनाते थे? हाँ, वो लोग दो चार लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं,
कभी कोई चेकिंग वेकिंग हुई तो पटना जाते गाड़ी में कभी चरस नहीं रहनी चाहिए। कोकिंग तो जब सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।